कई बार उन शब्दों को याद करने की कोशिश की है जिनसे मैं तुम्हें ढूंढ सकूं। मैं जैसे ही उठता हूँ ये शब्द धुंधले पड़ने लगते हैं। जो तुम्हारे ही शब्द थे, तुम्हारी आंखों को पढ़कर ही बनाए थे मैंने ये शब्द। मेरी आंखें फिर से नहीं भर सकते। शायद सपने में देखा है मैंने तुम्हें और इस समुद्र को भी। छुपे राख में, तवे कब्र में तुम मुड़ते आते हो, परे खून के हाड़ मांस के, रोटी के शराब के तुम मुड़ते आते हो, तुम मुड़ते आते हो। तुम उड़ते आते हो ऊपर बेदीवार मरघट के, जहाँ गुम है नाविक सारे। तुम उड़ते आते हो तुम उड़ते आते हो ऊपर पत्थरों के, निसंग पिघलते हो जहां तुम बीच मरे हुओं के, तुम उड़ते आते हो। तुम उड़ते आते हो इन परछाई इन नाम के, तुम उड़ते आते हो।
वो ना वो अच्छा होता ये उसी दिन मर जाता, बची हुई जिंदगी यूं बड़बड़ करके ना गुजारता। ना बो मुझे घोड़े ने लात मार दी है। हाँ पता है, देखो अब यहां कोई घोड़ा नहीं है, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मुझे जानना है घोड़े कहाँ है। अरे मैंने कहा ना अब यहाँ कोई घोड़ा नहीं है, हम सब चाहते हैं हमें तुम्हारी आवाज वापस मिल जाए। घोड़े की लात के कारण मैं यहाँ हूं। तुम सदियों से यही कह रहे हो। वो पहली बार था जब मैंने घोड़े की पूंछ कंघी की थी, मुझे कंघी खरीदनी ही नहीं चाहिए थी। तो वो तो तुमको वैसे भी मिल ही जाती। मुझे उसके पीछे खड़ा होना ही नहीं चाहिए था, पर तुम खड़े हुए ना और लात पड़ी ना। इस दरवाजे को खुले 15 बरस बीत गए, एक आध दिन ये मर जाएगा और हमें इसकी खबर सिर्फ गन से लग पाएगी या इसके खाने से। पर इसने खाना नहीं छोड़ा कभी, ये जैसा है ठीक है, कमरे में बंद औरों से दूर। जब तक मुझे कंघी नहीं मिल जाती मैं गाने नहीं जाऊंगा, वो यहीं कहीं होगी। ठीक है ना वो, अगर कंघी मिलने पर ही तुम गाने वापस आओगे तो जाओ ढूंढो अपनी कंघी। वाह क्या पिंजरा बनाया है। सच में
तुम तो इंजीनियर बन गए हो। अच्छा, और नहीं तो क्या, एकदम महल की जैसा बनाया तुमने। इसमें पंछी क्या, इंसान भी खुश रहेंगे। इसे तो मैं ही खरीदता हूँ। ये तो बिक चुका है, ये अब्दुल्ला के बच्चे का है। उसने अपने लिए स्पेशल बनवाया है। तो क्या ये डिजाइन भी उसी ने दिया? नहीं, उसको चाहिए था एक पिंजरा इस जैसा, एक जोड़ा बतखों के लिए। लेकिन ये तो ऐसा नहीं लग रहा। बिल्कुल है, नाप जोक के बनाया मैंने, सबसे मजबूत तार लगाया है। हाँ, ये तो ठीक है, पर उसने तुम्हें नाप ठीक से नहीं दिया है। उसने कहा कि बड़ा पिंजरा बनाओ बतखों की जोड़ी के लिए। बोला तो वही था। तो फिर क्या दिक्कत है? इसका कोई सबूत भी नहीं है कि उसने जो बोला था बनाने के लिए तुमने वही बनाया। अरे बिल्कुल वही बनाया मैंने। हाँ तो आप एक और बना दीजिए। पहले से बिकी हुई चीज मैं बेचना नहीं चाहता। उसने कितने दिए? 6,000। वाह, क्या रईसी है, अच्छा है। हमने पहले भी एक दूसरे को देखा है।
शायद तुम्हें देखा है मैंने सपने में। उस सपने में एक कमरा भी था। मुझे भी याद आ रहा है। अजब बात है, जरूर हम किन्हीं और सपनों में मिले हैं। मैं डर रही हूँ कि कोई और भी अपने सपने में ये कमरा देख रहा है। अब वो मेरे रहस्य जान जाएंगे। सर्दी नहीं लगती? कभी कभी। और अभी लग रही है कुछ कुछ। कितना अजीब है इस शांत रात में। तुम्हें देख पा रहा हूं? नामुमकिन। क्यों? क्योंकि तुम्हारा चेहरा बाहर की तरफ है। शायद मुझे सर्दी लग जाए। कुछ सोचो। मैं बाहर की तरफ मुड़ जाता हूँ तब भी तुम मुझे वैसे ही देखोगे जैसे तब जब तुम्हारी पीठ सामने थी। हमेशा ही तुम्हें ऐसे देखना चाहता था। तुम्हारे शरीर के इन गड्ढों को। कभी कभी मुझे लगता है मैं किसी धातु की बनी हूं। दूसरे सपनों में कई बार मैं सोचा करता था तुम एक मूर्ति हो, संग्रहालय में रखी पीतल की छोटी सी। शायद इसलिए तुम इतनी ठंडी हो। अगर हम कभी एक दूसरे को पा जाएं, तब रखना अपना कान मेरी पसलियों पर जब मैं बाएं करवट सो रही हूं। तुम्हें गूंज सुनाई देगी। हमेशा चाहती थी तुम ऐसा करो। अब तुम्हें छूना चाहता हूं।
तुमने कहा नहीं कभी ऐसा मुझसे। अब कह रहा हूँ सच में, छूना चाहता हूँ तुम्हें। तुम बिखेर दोगे सब कुछ। कुछ नहीं होता, केवल एक नया सपना ही तो देखना होगा मिलने के लिए। यदि उस सपने से जागे, पता नहीं किस समय में होंगे, शायद वो इस समुद्र का खोया हुआ समय होगा। फर्क नहीं पड़ता, भूल चुके होगे जागते ही। तुम ही तो जागते ही सपने को भूल जाते हो। छह हजार रुपए मिल गए इस पिंजड़े के? 6,000? हाँ, क्या बात कर रहा है? 7,000। 7,000? अरे ये पिंजरा तो मैं खरीदना चाहता था। अरे चल। अरे वही बोलो, हम कहा तार बांध तार। अब्दुल्ला से पहली बार इतने पैसे निकलना है किसी ने। अरे इसको थोड़ा एक पैक दो। जश्न मनेगी, एक पैक से क्या होगा, जश्न मनेगी। आगे बढ़ के ले लेना थोड़ा सा। आज जितना पीना है पी लो, सबका सबको आज मैं पिला। क्या बात है, क्या बात है। तो फिर आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। मेरे दिमाग में एक अच्छी स्कीम है। मैं इस जैसे 1,000 पिंजरे बनाऊंगा और बेचूंगा, तब मेरे पास 70 लाख रुपए आ जाएंगे। उसके बाद मैं 1,00,000 पिंजरे और बनाऊंगा और बेचूंगा और मेरे पास 70 करोड़ रुपए आ जाएंगे। 70 करोड़। हमें बहुत सारी चीजें बना बना के बेचनी चाहिए इन अमीरों को, उनके मरने से पहले, क्योंकि सब बीमार है और सब मरेंगे। इन हराम खोरों की हालत इतनी खराब है कि साला गुस्सा तक नहीं कर सकता। तुम्हारा इस अंग्रेज के बारे में क्या कहना है? अरे होगा कोई समाज से। मुझे तो ये धोखेबाज लग रहा है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? नहीं हुआ तो मैं अपनी समस्या दूर करने के लिए कुछ करना चाहता हूँ। और वो समस्या क्या है? ज्यादा कुछ नहीं है, बस 20-25,000। शतरंज अच्छा खेलते हो। Thank you.
बहुत सो चुके तुम, 3 दिन से सो ही रहे हो, बाहर आओ ना बो। ना बो घोड़े की लात के कारण ही मैं यहाँ हूँ। हम तुम्हारे इंतजार में हैं नाबो, अब और कोई रास्ता नहीं रह गया है। तुम कितने समय से सो रहे हो? मैंने तुम्हें पहले देखा है, हर शनिवार रात तुम मेरे साथ चौराहे पे गाते थे। हाँ गाता था, पर अब मैं वहां नहीं जा सकता। मैं गाने नहीं जा सकता क्योंकि पहनने के लिए मेरे पास जूते नहीं है। अरे कोई बात नहीं, यहाँ किसी के पास पहनने के लिए जूते नहीं है। कुछ देर पहले ही घोड़े ने मुझे लात मारी थी, मैं अभी मुंह पर पानी डालकर उन्हें बाहर घुमाने ले जाता हूँ। घोड़ों को अब तुम्हारी जरूरत नहीं है और यहाँ कोई घोड़ा है भी नहीं, तुम हो जिसे हमारे साथ चलना चाहिए। घोड़ों को तो यहीं पर होना चाहिए था, उनकी देखभाल के लिए 15 सालों से कोई नहीं है और ये अस्तबल भी नहीं है, ये सब कचरा है। कचरा एक दिन में थोड़े ही ना इकट्ठा होता है। जब तक मुझे कंघी नहीं मिल जाती मैं गाने नहीं जाऊंगा। तो मेरा तुम्हारे ऊपर 265,365 रुपये और 70 पैसे का उधार चढ़ गया है। जो लेना चाहते हैं ले लो, पर मुझे मेरे मोहरे वापस दे। मैं वादा करता हूँ इस जिंदगी की बाकी बाजियां खेल कर मैं तुम्हारा उधार चुका दूंगा। माफ करना दोस्त, तुम कुछ और नहीं दे सकते। मेरी इज्जत,
मेरा मतलब है कोई ऐसी चीज जो रंग में डूबी कूची फिराने से अपना रंग बदल दे। मेरा घर, कीमती ना हो लेकिन घर तो है। बद्दुआ मिलेगी, तुम मरोगे एक दिन। मेरे पास इतनी दौलत है कि मरने का कोई कारण मुझे नहीं दिखाई देता। छिपे राख में दबे कब्र में तुम उड़ते आते हो, तुम उड़ते आते हो। पर खून के हाड मांस के रोटी के शराब के तुम उड़ते आते हो, तुम उड़ते ऊपर बेदीवार मर घट के जहां गुम है नाविक सारे। ऊपर बेदीवार मर घट के जहां गुम है नाविक सारे। पार रक्त की वर्षा के उड़ते आते हो, तुम उड़ते।
निसंग पिघलते हो जहां तुम बीच मरे हुओं के परछाई बिन नाम के दबे कब्र में तुम उड़ते आते हो तुम उड़ते सुरत मनु भादिवे सावरे दि सुरत मनु भादिवे बिन दिठिया मनु कल नाही पड़ंदे बिन दिठिया मनु कल नाही पड़ंदे रे चित चढ़ जा झूमर पांदे सावर दे सूरत मनु पांदे।